नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आप सभी लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉयड अगर चलाते हैं तो उसमें लॉगिन जो होता है आपका वो जीमेल के द्वारा ही होता है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे उपयोग अब जीमेल के द्वारा किए जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है, आजकल सभी जो कंटेंट हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट बाद में कहने लगते हैं, वो ज़्यादातर लॉगिन का इस्तेमाल करती हैं जीमेल के थ्रू। और दोस्तों हम उसको दे भी देते हैं, क्योंकि हमें कोई आईडी नहीं बनानी होती है, कोई पासवर्ड नहीं बनाना होता है, और बड़ा आसान सा होता है, क्लिक कर देना जीमेल के ऊपर और वहाँ से उसको लॉगिन कर लेना। अब कुछ टाइम बाद जब हमारा मन भर जाता है या हम उसका उपयोग करना बंद कर देते हैं दोस्तों, तो हम वहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और हमें लगता है कि बड़ी आसानी से अब हमारा काम हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपकी जानकारी वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और किस तरीके से आपको वो थर्ड पार्टी कनेक्शन देना बंद करना है आपके जीमेल के अकाउंट के द्वारा, वो भी मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा। दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये सिंबल आता है गूगल ऐप का, जीमेल से भी जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अकाउंट्स पर आना है। ये जो आप अकाउंट्स देख रहे हैं, यहाँ आ जाने के बाद दोस्तों एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, और सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको एकदम से नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको एक थर्ड पार्टी का जो है यहाँ पर डेटा देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। मैं यहाँ पर आपको ये सी ऑल कनेक्शंस दिखा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है दो एक्सेस हैं, 8 गूगल के साइन इन कर रखे हैं हमने, जैसे ये एडोप है, ब्लैक बॉक्स है, ग्रामरली है, ग्रो स्टॉक है, जेआरएफ अड्डा, माइन, नॉइस फिट, द हिंदू, व्हाट्सएप मैसेंजर। अब दोस्तों जो नोन है जिन्हें हम चला रहे हैं उनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे यहाँ से ये जो है माइन हटाना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको आप जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हाउ Google helps you sign into mine. When you use sign in with Google to sign in to your mine account, you are sharing some sensitive information with mine. आप mine के साथ कुछ sensitive information जो है share कर रहे हैं दोस्तों, और आप यहाँ पर detail में जाकर भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। जो detail है देखिए, ये कब आपने दिया था, किस तारीख को दिया था, ये यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखा देता है। अब यहाँ लिखा आ रहा है इफ़ माइन यूजेज ऑटोमेटिक साइन इन, गूगल विल नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली साइनिंग यू इन टू माइन, स्टॉप यूजिंग साइन इन विद गूगल। आप यहाँ से क्लिक कीजिए, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इसको कन्फर्म कीजिए, आप कन्फर्म करेंगे अब यहाँ से जो है उसका एक्सेस खत्म हो गया है, ये आप देख रहे हैं। गूगल विल नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली साइन अप यू, और ये जो है यहाँ से अब हट गया है। देखिए पहले यहाँ 7 आ रहे थे, अब 8 आ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो रिमेनिंग रह गए हैं, मैं ये अगर आप अंदर भी नहीं जाते और ब्लैक बॉक्स मान लीजिए यहाँ क्लिक किया हमने, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, और यहाँ आप अंदर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है डिलीट ऑल कनेक्शंस टू यू हैव विद ब्लैक बॉक्स, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, और क्योंकि मैं इसका रिव्यू करता रहता हूं दोस्तों, इसलिए मेरा डेटा यहां बहुत कम है। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद अपने थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज पर जाके देखिएगा, यहां पर अंबार लगा होगा, ढेर लगा होगा वेबसाइट्स का, जिनका इस्तेमाल आपने न जाने कब करना बंद कर दिया होगा, लेकिन अभी भी वो यहां से एक्सेस उसका देख रहे होंगे। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और यहां से इसको डिलीट कीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जीमेल के अकाउंट से संबंधित आपको समझ आई होगी, आपके काम आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।